हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक इवनिंग स्नैक्स बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है ओनियन क्रिस्पी रिंग। तो चलिए मैं दिखाती हूँ उसमें क्या सामान पड़ेंगे। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर, 1/2 कप मैदा, कुछ क्रम्बल किए हुए ब्रेड, पेरी पेरी सीजनिंग 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और ये 1/2 चम्मच नमक है। और ये थोड़ा सा मैंने बॉक्स में मैदा लिया है ओनियन की कोटिंग करने के लिए। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के ओनियन लिए हैं और इसको मैं 1/2 इंच में कटिंग करूँगी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ऐसे हम रिंग को अलग कर लेंगे। मेरा मैदा रहा बॉक्स में और इसमें मैं ये सारे रिंग ट्रांसफर करूंगी। अब बॉक्स को मैं बंद करके ऐसे हिलाऊंगी। देखिए हमारे ओनियन पे मैदे की कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए हम बैटर बना लेते हैं। हम इसमें मैदा ट्रांसफर करते हैं बाउल में। अब ये कॉर्नफ्लोर पाउडर और ये मेरे मसाले। इसको हम स्पून से मिक्स कर लेंगे, फोक से। और इसमें हमें धीरे धीरे पानी डालना है ताकि कोई लम्प्स ना बने। तो देखिए मैंने इसको फेंट के तैयार कर लिया है। मेरे बैटर की कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें मैं रिंग डालती हूँ। तो मैं ये कुछ रिंग बैटर में ऐसे डालती हूँ। ऐसे आप लोग चम्मच के सहायता से पलट देंगे और उसके बाद इसको आप लोग ब्रेड में डाल के कोटिंग कर लेंगे, ब्रेड क्रम्बल में। इसको मैं फिर एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ। देखिए आप लोग इसको हम देखिए ऐसे पैन्यू और थोड़ा सा हाथ का हेल्प ले लेंगे। और ये फोक की सहायता से मैं प्लेट में ट्रांसफर करती हूँ। देखिए कितनी सुंदर कोटिंग हुई है ब्रेड की। तो मैं अब इसको फोक की सहायता से ऑयल में ट्रांसफर करती हूँ। तेल मेरा गरम है, रिंग तेल में डाल रही हूँ। तो इसे मैं सुनहरा होने तक भूनूंगी, लेकिन इसे धीरे आंच पे ही करना है क्योंकि अगर तेज आंच पे होगा तो ये जल जाएंगे। मेरे रिंग तैयार हो गए, देखिए आप लोग। सो यम्मी, ये बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर पे। तो चलिए हम अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये मेरे अनियन क्रिस्पी रिंग रेडी हो चुके हैं और ये देखने में काफ़ी सुंदर है और काफ़ी क्रिस्पी हैं। तो अगर आपको ये अच्छे लगे होंगे तो आप अपने घर पे ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर से बताइएगा कि ये आप लोग को कैसे लगे। तो ये आप लोग इवनिंग में या फिर जब भी स्नैक्स खाने का मन हो तो आप लोग ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।